हमारे बच्चे बड़े होने के बाद में हमारे साथ बराबर व्यवहार नहीं करते, क्यों होता है ऐसा? कृष्ण हमको पूरी तरह से इंडिकेशन देता है, बेटा समझ ले, तो देख ले ये, तेरे को इंद्र तृप्ति करने की थी, यू वॉन्टेड टू एंजॉय योर सेंसेस, ठीक है, तूने एंजॉय कर लिया, ये एंजॉय करने के बाद में इसका रिजल्ट जो है ये है, अभी तो सुधर जा। सबकी लाइफ में हो रहा है, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। हस्बैंड इज नॉट हैप्पी विद द वाइफ, वाइफ इज नॉट हैप्पी विद द हस्बैंड, बट व्हाट टू डू, क्या कर सकते हो? हमारी लाचारी है प्रभु, हमारी लाचारी है, हमारी लाचारी है कि हम जो है इतना संघर्ष होने के बाद में, इतना संघर्ष ये सब होने के बाद में भी हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि हमारी लाचारी है, इंद्र तृप्ति की भावना, एक जो एकदम एकदम तंग, जो इंद्र तृप्ति का इतना तंग है कि वो तरंग की वजह से जो है प्रभु हमको सब चीज दबा करके हमको खींचे जाना पड़ता है। क्यों रुपया कमाना चाहिए? अभी आप ये कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों को इनसिक्योरिटी आ रही है, लेकिन क्यों ये सब करना चाहिए? क्योंकि हमारी लाचारी है, क्योंकि हमको इंद्र तृप्ति करनी थी, इसलिए हमने घर बनाया, हमने संसार बनाया और उसके अंदर हम फंस गए। क्यों बच्चे पैदा किए? क्योंकि हमारी लाचारी थी, और वही लाचारी की वजह से हमको यहाँ पे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कितने डिवोटीज आते हैं, प्रभु मेरे दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, इतना इसका सबका प्लानिंग करना पड़ता है, शादी किया है, उसका प्लानिंग करना है, उसको एडजस्टमेंट करना है, उसको ये करना है, क्या है, क्यों किया? सिंपल है, हमारी लाचारी थी और वो लाचारी सब फंस गए, हम फंस गए प्रभु जी, और वो फंस गए, फिर बाद में हमको सालों के सालों निकालते रहना पड़ता है। और देखो ये दुनिया इतनी नालायक और नफट है, नालायक, सॉरी प्रभु ये वाक्य बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज द रियलिटी, इतनी नफट ये दुनिया है कि ये सब लाचारी से जो है हमको ये सब चीज में फंसना पड़ता है, इसमें जो है फंस करके हमको सब चीज घूमना पड़ता है, इतनी किक खानी पड़ती है, और किक खाने के बाद में वापस हमारे से सब चीज छीन करके हमको फेंक दिया जाता है। ये भौतिक दुनिया है, हमको फेंक दिया जाता है। और क्या लाइफ की रियलिटी है प्रभु? ये सब होने के बावजूद हम इतना लाइफ के अंदर ये सब देखने के बाद में हम एडजस्टमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इधर उधर साथ में रहने के लिए सब पूरी तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो भी अगर आप एक दूसरे को पूछो, आर यू हैप्पी विद ईच अदर, आर यू रियली सेटिस्फाइड, हस्बैंड को वाइफ के लिए पूछो, वाइफ को हस्बैंड के लिए पूछो, बच्चे को माँ बाप के लिए पूछो, माँ बाप को बच्चे के लिए पूछो, आपके एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर के लिए पूछो, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज के लिए पूछो, सोसाइटी के लिए पूछो, सांप के लिए पूछो प्रभु, सब लोग कहेंगे ठीक है, खींच रहे हैं, दैट्स इट, खींच रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है यार, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रभु, हम ये जगह के लिए लायक नहीं है, वी आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेस, हम ये जगह के लिए लायक नहीं है, कितना भी तुम बोलो यार, वी आर नॉट फिट।